हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जाने से पहले का व्लॉग तो आप लोग देख ही चुके हैं कि कितनी तैयारी हो गई है, और फाइनली फाइनली मैं भी पूरे काम घर के फिनिश करके आज हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ मिराज मेरे को साथ हेल्प कर रहे हैं कि जो भी कुछ काम है तो फटाफट लग जाए ताकि हमारी ट्रेन जो है वो निकल ना जाए। अहमद भी नहा के तैयार हो गई है, यश भी तैयार हो गया, सब तैयार हैं। इवन बस घर का जो मेस जो मैंने पूरा फैला रखा है, किचन रूम सब मैंने वाइंड अप करना है। और यहाँ मैं भी तैयार हो गई हूँ, राज तैयार हो रहे हैं। मैं जो रहमत का प्रैम है उसे सेट कर रही हूँ ताकि साथ में लेके जाने में मुझे किसी तरह की दिक्कत हो नहीं। ये रहमत का फर्स्ट ट्रेन ट्रिप होने वाला है। राज गाड़ी निकाल रहे हैं और यश हेल्प कर रहा है, पर इनका फोन जो कभी बंद नहीं होता, लगा ही रहता है। हम लोग पहुंच गए हैं मॉल पे। अभी मैंने अपनी मार्केट के सारे काम फिनिश कर लिए थे, क्योंकि मार्केट से रहमत का मिल्क मेडिकल स्टोर से मुझे लेना था, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो इधर उधर का दूध पिलाने से अच्छा है कि मैं उसे नन प्रो दूँ। ये ऑलरेडी उसको पीजीआई में दिया जाता था, अभी स्टेज 4 आ गई है। इट्स अ हेल्दी फूड एक्चुअली, मुझे लगता है ट्रैवल में अच्छा रहेगा। एक्चुअली मॉल में हमें कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ जो हम शॉपिंग नहीं कर पाए, इसलिए हमने ये शेड्यूल पहले का रखा था जाने से। सिक्योरिटी लेडी जो है वह कंफर्म कर रही थी कि मैं कैमरे में क्या कर रही हूँ, तो मैंने उसे बताया कि हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, इसलिए कैमरा शूट कर रही हूँ। और अहमद अपनी सीढ़ियों पर खुश थी। यहाँ मेरी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी है। आओ सारा कलेक्ट करा दे। जल्दी से जो भी अहमद के कुछ क्लोथ्स लेने थे, मेरे कुछ ड्रेसेस लेने थे, वो मैं आपको आने वाले ट्रिप पर ही दिखाऊँगी कि क्या हो रहा है। यार राज हमें यहाँ पे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ गए हैं। क्या हुआ है? मम्मा गोदी आना, मम्मा गोदी आना, रहमत ट्रेन, मम्मा गोदी आना, आ जाओ रहमत। फाइनली हमारी ट्रेन देखिए आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सामने से आ रही है, और बस अभी ट्रेन में बैठते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि ट्रेन कैसी है। ये देखिए ट्रेन पे हमें सीट मिल गई है। राज हमें छोड़ने अंदर आए हैं, सामान इन्होंने रख दिया है। इतनी क्लीन ट्रेन थी, मैं आपको कैसे बताऊँ, आप आगे देखिएगा, मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊँगी। रेलवे इतनी जल्दी राज यहाँ पर हेलो करने आप सबको। और देखिए रेलवे के जो हालात थे सालों पहले, बहुत बदतर ख़राब थे। मेरी कुछ काफ़ी मेमोरीज इस रेलवे के साथ लगी हैं, लेकिन अभी क्या हालात हैं मैं देखकर इतना हैरान हूँ कि मस्त सबको ट्रेन का सफ़र करना चाहिए, क्योंकि इतनी क्लीन ट्रेन है, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं सुधर रहा है, और इट्स अ गुड थिंग। देखिए कितनी मेमोरेबल मोमेंट जो है आज कैच हो गई है, और हमने कैमरे के अंदर ये मेमोरी को ज़िंदगी भर के लिए सेव कर लिया है। राज से रहमत लंबे समय के लिए पहली बार दूर जा रही है, और उनका मन थोड़ा उदास भी है, बट इट्स ओके, उनको भी एहसास होना चाहिए कि दूरियां कैसी होती हैं। अभी थोड़ा सा पता चलेगा, कुछ दिन दूर रहेंगे तो बाद में थोड़ा अच्छा फील होएगा। रिश्ते थोड़ा सा जब दूर जाते हैं तो पास भी आते हैं, होपफुली अपन का भी ऐसा ही कुछ सीन होएगा, राइट। और देखिए ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। होपफुली आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे। और या दिस इज़ मी। हमें एक सीट, देखिए ये जस्ट आप फेयर की बात करेंगे कि जो टिकट प्राइस था वो 135 रुपीज़ है। डिड यू इमेजिन कि कितना इतने कम उसके अंदर इतनी फैसिलिटी, कैसे वॉशरूम आर सो क्लीन, और बच्चे मेरे बिल्कुल कंफर्टेबल थे, और थर्ड सीट हमें फ्री मिल गई, आराम से खा ली थी। कुछ देर के लिए एक स्टेशन के लिए कोई पैसेंजर आए थे, और बाद में ये पूरी तरह से खा ली थी। और इवन सारी ट्रेन में रहमत ने फुल मस्ती की, आप आगे व्लॉग्स में देखेंगे। और यहाँ मैंने रहमत को देखिए टैब लगा के दे दिया है,
वो टैब भी देख रही है और आराम से बैठ के अपना व्यू भी ले रही है, इंजॉय कर रही है। ये बहुत अच्छा हो गया, सामने ट्रे थी और इसे हमें अच्छे से यूज़ कर लिया है। देखते ही देखते देखिए शाम हो चली है और अभी रहमत को भूख भी लगी है, तो मैंने स्नैक्स के अंदर दही ज़रूर साथ में रख लिया था। मैंने वही चीज़ें रखी जिससे वो कंफर्टेबल रहे और मैंने सीट की ही साइड को अपना ट्राइपॉड बना लिया था फॉर द मोमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए अभी रहमत दही खा रही है और ऊपर से आपको व्यू भी नज़र आ रहा है कि फ़ैंस लगे हैं और सामान रखने के लिए कितनी क्लीन सीट्स ऊपर बनाई गई हैं जहाँ पे आप अपना लगेज आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमने डिनर जो है ऑर्डर किया था ट्रायल के लिए। यश को यकीन नहीं था मेरे कहने पर, लेकिन अब की बार तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि खाना कुछ हद तक सही था, लेकिन थोड़ा सा पुराना था, फ्रेश नहीं था। पहले से बनाकर सर्व किया होगा इन लोगों ने, ऑब्वियस है ऐसे ही करते हैं वक्त की कमी को लेकर, पर फिर भी टेस्टी था। थोड़ी मिर्ची थी अकॉर्डिंग टू किड्स, इसलिए बच्चों के लिए तो आप लोगों को खुद ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। Thank you.
फाइनली हम चंडीगढ़ स्टेशन पे पहुंच गए. यस, नियर टू ट्रिप स्टेशन. ये इससे नेक्स्ट जो रहेगा वो भी आपको ज़रूर देखना है. आने वाले व्लॉग्स आप मिस नहीं करेंगे अगर आपको समझना है कि हम कहाँ जा रहे हैं. और देखिए, मैं एक और फैसिलिटी आपको वॉच कराती हूँ. कितना सुंदर से आपकी फ्लाइट लिफ्ट आगे है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. आपको अपना वजन यानी कि जो भी लगेज है उसको कैरी करने की, उठाकर सर पे लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है. कुली को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. हमने देखिए लिफ्ट लिया और इजीली हम लोग बाहर आ गए हैं. यहाँ से ही बाहर निकलते ही सर एग्जिट करते ही हमें कैब मिल गई थी. आगे देखिएगा, यहाँ देखिए रहमत सो गई है और यहाँ हमें कैब मिल गई है और फाइनली वी आर रीच टू सिस्टर होम. तो चलिए देखिए लगेज यहाँ पे पूरा उस कैब वाले ने अंदर ही रखा था. बहुत फैसिलिटी दी है उन्होंने हमें. थैंक यू सो मच भैया का. उन्होंने सामान रखा भी और उतारा भी. देखिए मैंने यहाँ आके घर पे लेटा दिया है. तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 कीजिए. फॉर नेक्स्ट ट्रिप के लिए व्लॉग्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए देखते रहिएगा. बाय बाय, टेक केयर.